सीबीआई માં ચાલી રહેલા વિવાદ પર ભાજપના નેતા સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ નિવેદન આપ્યું છે. ડ્રાકિસ અસ્થાના ભ્રષ્ટ અધિકારી છે, હું પુરાવા વગર આક્ષેપ કરતો નથી. આલોક વર્માના કારણે તેમને કારણ વગર હટાવાયા છે. ચાર લોકોએ ગેંગ બનાવી સીબીઆઈના અધિકારીઓને નિશાન બનાવે. આ સાથે તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદી દ્વારા લોકોને 15 લાખ આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. જો કે આ પ્રકારના અધિકારીઓ દેશમાં હશે તો વિપક્ષની પણ જરૂર નથી. સાથે જ તેમણે કહ્યું કે ડાયરેક્ટરને હટાવવાનો નિર્ણય સરકારે પાછો લેવો જોઈએ અને આ મામલે અસ્થાના, હસમુખ અઢિયા અને પી કે મિશ્રાને બચાવવામાં આવી રહ્યા છે. જો ચિદમ્બરમ કી ઓર ચિદમ્બરમ કોણ હૈ સબસે ભ્રષ્ટ ઓર દુષ્ટ રાજનીતિજ્ઞ વો હૈ. उसने कितने लोगों की जीवन बर्बाद की ये हिंदू टेरर कह के. एक साध्वी का कितना अपमान हुआ पुलिस लॉकअप में और कस्टोडियल इंटरोगेशन में. एक देशभक्त कर्नल पुरोहित, उसकी 9 साल जो चोरी करी गई, उस जीवन की चोरी की गई. ये चिदंबरम उसको बचाने के लिए अस्थाना लगे हुए हैं. तो इसीलिए मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि जो उन्होंने किया है सीबीआई डायरेक्टर को हटाने, उसको वापस ले. और मुझे डर है कि कहीं कोर्ट में ऐसा हो जाए तो फिर हमारी पार्टी की ही एक बहुत बड़ी नुकसान होगी. प्रधानमंत्री के दस्तखत से नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री दस्तखत से इसको ठीक कर सकते हैं. और मैं उनको और भी नाम दूंगा जो जो उनकी जो आगे हमारी पार्टी की जो भविष्य है उसका नुकसान करने वाले कौन कौन हैं. और इस शुद्धिकरण जब तक हमारी ब्यूरोक्रेसी में नहीं होगी, हम कोई चीज को कामयाब कर नहीं कर सकेंगे. इसमें हसमुख अढिया पहले हैं, अस्थाना दूसरे हैं, पीके मिश्रा तीसरा है और एक कुलबे ये चौथा है. ये सब हसमुख को छोड़कर यानी दो हैं पीएमओ में, पीके मिश्रा और कुलबे. एक जो अभी फिलहाल अभी तक एडिशनल डायरेक्टर थे या स्पेशल डायरेक्टर थे सीबीआई के, और आदिया फाइनेंस सेक्रेटरी. इस काल में कई चीजें ऐसे घटना हुई है जिसको हमें हमारी पार्टी को दुख हुई है. हम लोगों को भी शर्म आती है पब्लिक में बोलने में. कैसे हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ेंगे जब हमने कहा कि विदेश में जो 120 लाख करोड़ जमा है उसको वापस लाएंगे, और एक जगह में ये भी कह दिया कि हर गरीब के बैंक अकाउंट में 15 लाख आएगी. तो आगे के चुनाव में हम किस मुंह से बात कर सकेंगे. इसके लिए जो 2 दिन की घटना हुई है बुरा हुआ है.